वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे फोर्ड का रीएंट्री को लेके इंडियन मार्केट में। ये बात बहुत पहले ही हम लोग को सुनने को मिल रहा था, मगर ये बात अभी फोर्ड के तरफ से कम्प्लीटली कंफर्म हो गया और फोर्ड ने अपने तरफ से तमिलनाडु गवर्नमेंट को लेटर ऑफ इंटेंट भी भेज दिया। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के CM US विजिट कर रहे थे, वहाँ वो जाके फोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों से मिले, बहुत सारा मीटिंग्स हुआ और आगे जाके फोर्ड जो है अपने तरफ से उनका जो चेन्नई में प्लांट है वो बहुत जल्दी रीओपन होने वाला है और वहाँ कार भी प्रोडक्शन होगा। और ये कार सिर्फ इंडिया के लेन नहीं, ये कार अब्रॉड में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो अगर आप में से कोई है जो अभी भी सोचते हैं कि भाई ये फोर्ड इकोस्पोर्ट्स अगर रहता तो मैं अपने तरफ से एक खरीद लेता, तो हो सकता है कि आपका जो ड्रीम है ये कम्प्लीट हो जाएगा। और अगर फोर्ड आगे जाके इकोस्पोर्ट्स फिर से रिलॉन्च करता है इंडिया में, तो हो सकता है कि कुछ अपग्रेड हम लोग को देखने को मिल जाए। ये सब सुन के आप पूछ सकते हो कि भाई फोर्ड के पास तो बहुत सारा कार था, तो आप इको स्पोर्ट्स पे इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो? ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। हम में से जो कोई भी कार के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो हम लोग को पता है कि कार का वन ऑफ द मेजर पिलर है उसका बिल्ड क्वालिटी। अगर कार का बिल्ड क्वालिटी अच्छा है तो जब भी आप इसको ड्राइव कर रहे हैं तो आपका जो सिक्योरिटी लेवल है ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मतलब मैं बोलना चाहूँ जो रिस्क फैक्टर है वाइल्ड ड्राइविंग वो आपका डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम लोग देखें दुनिया भर के डिफरेंट कार मेकर्स डिफरेंट टाइम में इंडिया में आए, तो हर किसी का जो बिल्ड क्वालिटी है वो अलग लेवल पे होता है, मगर नो डाउट फोर्ड का बिल्ड क्वालिटी हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट था, वन ऑफ द बेस्ट है। और होपफुली इंडिया में जब नया व्हीकल लॉन्च होगा, फोर्ड जब अपने तरफ से फिर से व्हीकल लॉन्च करने का स्टार्ट करेगा, उस टाइम में भी इन लोगों का जो बिल्ड क्वालिटी है वो सेम लेवल पर ही हम लोग को मिलेगा। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि डिफरेंट टाइम में अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइप ऑफ जो ग्लोबल कंपनीज है वो इंडिया में आए, अपना कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद वो लोग इंडिया छोड़ के चले गए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फोर्ड को ले ले, मित्सुबिशी को ले ले, शेवरले को ले ले, जनरल मोटर्स को ले ले, या फिर हम लोग हिंदुस्तान मोटर्स को भी ले ले, तो आज के डेट में इन लोग का जो प्रेजेंस है ये इंडिया में नहीं है। मगर देखा जाता है ज़्यादातर जो कंपनीज है वो डिफरेंट जो अलग अलग सा कंट्रीज है वहाँ अपना बिजनेस चला रहा है। तो एग्जैक्टली रीज़न क्या है? तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कि अगर आपको इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करना है तो आपको इंडियन का जो टेस्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ जाते हैं तो ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म में रह पाएंगे, और अगर आप ये समझ नहीं पाते या फिर अगर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है तो कोई और कंट्री में उसको यूज़ करना चाहेंगे इंडिया में, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी एग्जिट करना पड़ेगा। और यही सेम प्रॉब्लम हम लोग बहुत सारे कंपनीज के साथ देखे हैं पास्ट में इंडियन कार मार्केट पे। तो पहले फोर्ड का स्टोरी जानते हैं। अगर हम लोग देखें फोर्ड ने लास्ट जब एग्जिट किया था वो साल था आपका 2021। अगर आप सोचते हैं कि ये फोर्ड का फर्स्ट टाइम इंडिया एग्जिट था तो ये गलत है। इससे पहले भी 1953 में, मतलब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, उसके आपका 6 साल बाद ही फोर्ड ने इंडिया एग्जिट किया था। तो उस टाइम एग्जैक्टली क्या रीज़न था उसके बारे में उतना डिटेल्स अभी तो अवेलेबल नहीं है, मगर फोर्ड का ये जो 2021 का जो एग्जिट हम लोग अपने आंखों के सामने देखे वो एग्जिट जो था वो सेकेंड एग्जिट था। तो ये जो एग्जिट था इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न है वो हम लोग एनालिसिस करेंगे, मगर उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं 1990 से। 1990 एक ऐसा साल था जिसमें इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ जो कार मेकर्स थे ऑल ओवर वर्ल्ड से वो लोग इंटरेस्ट शो कर रहा था, साथ ही साथ गवर्नमेंट का स्टेप लिया गया, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टर उन लोगों को इंडिया में वेलकम कर रहे थे। इसी टाइम में एक ही साथ लगभग फोर्ड और ह्यूंडई इंडिया में आए, वो लोग अपने तरफ से प्लांट सेटअप किया और अपने तरफ से कार मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। तो ह्यूंडई ने मार्केट का जो डिमांड है उसको समझा और अपने तरफ से इंडिया में छोटा कार लॉन्च किया, ह्यूंडई सेंट्रो, और उसको प्रमोट करने के लिए वो लोग शाहरुख खान को हायर किया। शाहरुख खान ने अपने तरफ से ह्यूंडई सेंट्रो को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लेवल पे प्रमोट किया, जिसके वजह से आज के डेट में भी अगर देखा जाए आज सेंट्रो अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये ऑब्सोल्यूट हो गया है। सेंट्रो का डिफरेंट वर्जन भी आया था, मगर सेंट्रो जो है वो इंडियन कार हिस्ट्री में एक वन ऑफ द मेजर पिलर है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग फोर्ड को देखें तो उस टाइम में फोर्ड ने अपने तरफ से अपना जो सीडान है एस्कॉर्ट को लॉन्च किया था, जो कि एक काफ़ी लग्जरी व्हीकल था। अगर देखा जाए उस टाइम में जो मार्केट था उस हिसाब से थोड़ा सा हाई प्राइस था। यही सेम कार यूरोप में फोर्ड ने 1963 में लॉन्च किया था और वो आके इंडिया में 1990 में लॉन्च करे। अगर हम लोग 1990 का इंडियन कार मार्केट को देखें तो ऑब्वियसली उस टाइम में सीडान का जो एक डिमांड था, मगर हाई प्राइस सीडान का जो डिमांड था वो हम लोग कह नहीं सकते। सीडान ऑब्वियसली एक लग्जरी कार उस टाइम में माना जाता था। आज के डेट में अगर देखा जाए इंडियन मार्केट काफ़ी चेंज हुआ है, और इस बीच में मतलब जब सीडान ज़्यादा यूज़ हो रहा था और आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कॉम्पैक्ट SUV ज़्यादा इंडिया में सेल हो रहा है, इस बीच में जो सबसे ज़्यादा कार बिका है वो है स्मॉल कार सेगमेंट। और ह्यूंडई ने अपने तरफ से यही सेगमेंट को समझा और वो अपने तरफ से ये स्मॉल कार सेगमेंट में ज़्यादा एक्टिव हुआ और अपने तरफ से इंडियन कार मार्केट को जीत लिया।
आज के डेट में अगर देखा जाए इंडिया में बहुत सारा कार बिकता है जिनमें वन ऑफ द मेजर चैंपियन है मारुति सुजुकी, क्योंकि मारुति सुजुकी को पता है कि इंडियन लोगों का टेस्ट क्या है या फिर इंडियन लोगों का टेस्ट कैसे चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू दैट मारुति अपने तरफ से कार बना रहा है और डिफरेंट टाइम में अगर हम लोग देखें लॉन्ग टर्म में मारुति इंडिया में कार बेचता ही जा रहा है और मारुति का सेल्स नो डाउट दूसरा जो कंपनीज है जो फॉरेन कंपनीज भी बाहर से आते हैं वो लोग भी मारुति से डर के रहता है कि भाई इन लोगों का जो सेल्स है ये अलग ही लेवल पे है इंडिया में। अगर हम लोग पास्ट में जाके देखें फोर्ड अपने तरफ से इंडिया में जब भी कोई कार बिल्ड किया है उनका जो बिल्ड क्वालिटी है वो नो डाउट बहुत अच्छा है, मगर अकॉर्डिंग टू इंडियन कार मार्केट का जो डिमांड था उसके साथ फोर्ड जो है वो एग्जैक्टली रन नहीं कर पा रहा। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है? एक रीज़न है भाई माइलेज। फोर्ड का कोई भी कार ले लीजिए वो थोड़ा सा ज़्यादा ही पेट्रोल या फिर डीजल पीता था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए फोर्ड का जो प्राइस है ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ऑब्वियसली अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छा होगा तो कार बनाने में ज़्यादा पैसा लगेगा और इंडियन मार्केट में क्या है, इंडियन मार्केट में जो सस्ता कार होगा जो सस्ता सुंदर टिका होगा वही ज़्यादा बिकेगा क्योंकि ये जो मार्केट है ये प्राइस सेंसिटिव है। इसके अलावा भी एक और फैक्टर था जो था प्रमोशन। अगर आप इंडियन कार मार्केट में प्रमोशन पे ध्यान दें तो आपको एक चीज़ पता चलता है कि भाई अगर कोई भी कार प्रमोट किया जाता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी फिल्म एक्टर को आप उसके लिए हायर कर सकते हैं। अगर वो प्रमोट करते हैं तो हम लोग कन्विंस हो जाते हैं कि भाई अगर वो ये कार को प्रमोट करे तो कार बहुत अच्छा है, हम लोग वही खरीदेंगे। यही ट्रिक ह्यूंडई को बहुत पहले से ही समझ में आ गया था और इसीलिए उन लोगों ने अपना इंडियन कार मार्केट में फर्स्ट कार जो है सेंट्रो उसको SRK के द्वारा प्रमोट किया। तो अगर देखा जाए ये सारा जो फैक्टर है ये सारा फैक्टर पे अगर ध्यान देता तो हो सकता है कि उस टाइम में फोर्ड जो एग्जिट किया था वो एग्जिट नहीं करता था। ऑन द अदर साइड फोर्ड जब एंटर किया था 1990 में उस टाइम में फोर्ड का एक्सपेक्टेशन था कि इंडियन जो कार मार्केट है ये आगे जाके सेकंड चाइना बनने वाला है, मतलब चाइना में जो कार मार्केट का जैसा डिमांड था और फोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था वो लोग बहुत ही जल्दी इंडियन कार मार्केट में 10% शेयर होल्ड करेंगे। ऑन द अदर साइड फोर्ड जब एग्जिट किया 2021 में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों का मार्केट शेयर था सिर्फ 2% और उस टाइम में फोर्ड ने राउंड अबाउट $2 बिलियन ऑलरेडी लॉस फेस कर लिया था इंडियन मार्केट में। तो जब फोर्ड से पूछा गया कि आप लोग इंडिया एग्जिट क्यों कर रहे हो तो फोर्ड का कहना था कि हम लोग जो है अपने लोगों का जो ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है उसके वजह से ही हम लोग इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं। तो अब आते हैं इकोस्पोर्ट्स पे, जो मैंने आपको पहले बोला था कि एग्जैक्टली ये कार इतने इंपॉर्टेंट क्यों है इंडियन कार मार्केट। अगर इकोस्पोर्ट्स को देखें तो इकोस्पोर्ट्स जब लॉन्च किया था उससे पहले ये जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट था वो इंडियन कार मार्केट में उस लेवल पे कोई एक्टिव ही नहीं था। इकोस्पोर्ट्स एक ऐसा कार है जो इंडियन कार मार्केट में इंडियन लोगों का जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया। जो लोग अपने तरफ से स्मॉल कार प्रेफर कर रहे थे, जो लोग अपने तरफ से सीडान प्रेफर करते थे, वो लोगों का भी टेस्ट ये इकोस्पोर्ट्स ने ही चेंज किया। और ये जो सेगमेंट है, जो सेगमेंट में कहा जाता है कि कॉम्पैक्ट SUV, वो सेगमेंट इकोस्पोर्ट्स ने इंडियन कार मार्केट में लॉन्च किया और इकोस्पोर्ट्स ने इंडियन लोगों को सिखाया कि भाई ये कार आप लो जिसमें आप लोगों को SUV का जो खूबी है वो भी मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को अगर स्मॉल कार चाहिए कि आपको अगर लगता है कि भाई अगर हम लोग SUV ड्राइव करेंगे तो वो बहुत बड़ा होगा, बहुत तेल पिएगा, तो ये जो थॉट है रिगार्डिंग SUV रिगार्डिंग सेडान उसको कम्प्लीटली चेंज करके इकोस्पोर्ट्स एक ऐसा कार है जो इंडियन कार मार्केट में प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई हर कोई बोल रहा है कि भाई हम लोगों को एक कार चाहिए जो है आपका कॉम्पैक्ट SUV। आज के डेट में अगर देखा जाए डिफरेंट कंपनीज जो अपने तरफ से स्मॉल हैचबैक बनाता है उनका भी जो लुक है वो SUV की तरह करके वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग जो बेच रहे हैं ये आपका तो एग्जैक्टली कॉम्पैक्ट SUV है। मगर SUV अगर आप देखें तो SUV एक बहुत ही बड़ा व्हीकल होता है, कॉम्पैक्ट SUV फिर भी हम लोग मान सकते हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए मारुति हो ह्यूंडई हो हर कोई कंपनी अपने तरफ से इंडियन कार मार्केट में जो सबसे ज़्यादा कार मैन्युफैक्चर कर रहा है और सेल कर रहा है वो है आपका कॉम्पैक्ट SUV। तो ये जो कॉम्पैक्ट SUV जो सेगमेंट है अगर इंडियन कार यूजर्स को किसी ने सीखा है वो है ये इकोस्पोर्ट्स। तो होपफुली ये जो इकोस्पोर्ट्स है ये हम लोग को आगे जाके एक नया रूप में मिलेगा और हम लोग फिर से ये ड्राइव कर पाएंगे, अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा भी हो सकता है कि फोर्ड अपना जो प्रेजेंट मॉडल है एवरेस्ट वो इंडिया में लॉन्च करे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, आपको कहना है कि ये जो एवरेस्ट अभी हो सकता है कि इंडिया में लॉन्च हो तो उस कार का इंडिया में पहले नाम क्या था? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिए, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आपका जनरल नॉलेज कितना है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल में आप जाइए, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको वहां मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आप अपने लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए, डिफरेंट टाइम में वीडियोज आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।